दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश शाह और मैं नए YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्टॉक यात्रा। दोस्तों, इस यात्रा के द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपके सामने इस सीरीज़ में नए नए स्टॉक्स लेकर आऊँगा जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और जो टेक्निकली भी बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ दोस्तों, मैं ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके लिए लेकर आऊँगा इस चैनल के थ्रू। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आप ये चैनल का लिंक आपके दोस्तों के फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, ना ज़्यादा टाइम लेते हुए हम डायरेक्ट स्टॉक के आज के स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, उसके पहले मैं मेरे बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नॉलेज 2001 से है मार्केट में, मैं मार्केट के साथ 2001 से हूँ और मैं लोकल प्रेस अमरावती में रहता हूँ महाराष्ट्र में, और यहाँ मेरा कोचिंग क्लास भी है। मैं एक शेयर मार्केट कोच भी हूँ जो फंडामेंटल और टेक्निकल के बारे में क्लासेस लेता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते, डिटेल्स नीचे दी गई है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज के स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, ये स्टॉक मैंने जो सिलेक्ट किया है फंडामेंटली और टेक्निकली, वो है नेक्टर लाइफ साइंस। नेक्टर लाइफ साइंस में मुझे फटाफट बताता हूँ क्या बातें अच्छी लगती हैं। देखिए दोस्तों, इसका 5 साल के मुकाबले 3 साल का सेल बड़ा है। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी लगी इसमें मेरे को, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, जो भी कर्जा लिया है उसके पिछले 3 साल में एग्रेसिवली उसको पेड किया है। तो इसमें कंपनी का इंटेंशन दिख रहा है लोन कम करना है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े उनकी। तो ये बेसिकली कन्वर्ट होगा अच्छे EPS अर्निंग्स में आगे जाकर। तो ये कंपनी अभी एवरेजली उसका EPS पकड़ा और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 15 के PE से मल्टीप्लाई किया, तो नियर अबाउट 5 years की वैल्यूएशन इसकी कंपनी की 98 rupees तक आती है और ये करंट लेवल्स पर 26 rupees का ट्रेड कर रहा है, 25-26 में ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये आने वाले 2 से 3 साल में 90 rupees जाने की क्षमता है ये स्टॉक में। आइए टेक्निकली भी इसका एक व्यू ले लेते हैं हम लोग। टेक्निकल चार्ट्स पर अगर हम देखेंगे मंथली चार्ट्स पर, तो 3 साल के ब्रेकआउट पर ये स्टॉक खड़ा है ट्रेंड लाइन के द्वारा। 3 साल की ट्रेंड लाइन है, उसके ब्रेकआउट पर ये स्टॉक खड़ा है और ब्रेकआउट ऐसा ही नहीं हो रहा है दोस्तों, 8 महीने का कंसोलिडेशन है। जब भी ऐसा बनता है, सबसे ज़्यादा कंसोलिडेशन बनकर अगर ब्रेकआउट होता है वो तो काफ़ी सस्टेनेबल और काफ़ी बड़ी रैली का इंटेंट रहता है ये। तो इससे इसके बाद बहुत बड़ी रैली आने के संकेत हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा दोस्तों कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो ये शेयर आप भी स्टडी कीजिए और उसके बाद आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। मैं दोस्तों, और एक चीज़, आप अगर मुझे और ज़्यादा कंपनीज और वीडियो डालना चाहते हैं आप कि मैं डालूँ, तो आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ये चैनल को सबसे ज़्यादा रेज कीजिए। ओके, ग्रेट डे, सी यू।